Hello students, how are you? Came to students, we are studying your chapter number 10 of subject science. Students, in previous lecture we have studied that what is a respiration. Respiration kya hota hai? Why do we respire? Yani ki hum respiration kyun karte hain? Jo puri respiratory system usme hum respire kyun karte hain? Uske baad what is aerobic respiration? What is anaerobic respiration? Ye sari cheeze humne pad li. And specially jo last mein humne padha tha wo kuch aisa tha ke एक ऐसा जीव है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है विदाउट जो एयर जिंदा रहता है विदाउट ऑक्सीजन जो जिंदा रहता है कौन था वो यस दैट इज अ यीस्ट यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर जिंदा रहती है तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि वी कैन आल्सो लिव बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर मैं ऐसा बोलूं कि हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इज इट अ पॉसिबल सोचो जस्ट ऐसे ऊपर मुंह करके से सोचो सोचने के टाइम में ऐसा करते हैं ना यहाँ बेंच होती है और बेंच में ऐसे करके बैठते होते हैं तो सोचो कि क्या हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ओके चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कुछ ऐसा ही है क्या है कि व्हेन ह्यूमन रेस्पायर एनारोबिकली क्या है कि हम यानी कि ह्यूमन कब एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं चलो तो हम पढ़ते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि और मसल सेल कैन आल्सो रेस्पायर एनारोबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर इज अ टेंपरेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ओके यस हमारा आंसर क्या है जो क्वेश्चन है कि व्हेन ह्यूमन रेस्पायर एनारोबिकली कब करते जब भी हमारे यहां व्हेन देयर इज अ टेंपरेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन आर एनारोबिकली रेस्पायर When there is a temporary deficiency of oxygen, जब हमारे body के अंदर temporarily oxygen की मात्रा कम हो जाती है हमारे body के अंदर oxygen घट जाता है तब हम क्या करते हैं anaerobically respiration करने लगते हैं क्योंकि जितना oxygen ले रहे हैं उतना enough नहीं है body के लिए body को जितना चाहिए oxygen वो तो हम ले रहे हैं पर सामने जो work कर रहे हैं जो हम energy use कर रहे हैं वो energy इतनी ज़्यादा use कर रहे हैं कि जो oxygen ले रहे हैं ना वो इतना enough नहीं है तब हम क्या करेंगे तब हमारे बॉडी के सेल्स क्या करेंगे यस दे विल रेस्पायर एनारोबिकली क्लियर कब एनारोबिकली करेंगे जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की टेम्पररी डेफिशिएंसी या फिर खपत बोलो या मात्रा घट जाए ऐसा कुछ भी बोलो जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घट जाता है हमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए तब हम क्या करते हैं एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं चलो नीचे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज वेन एवर वी आर डूइंग अ हैवी एक्सरसाइज और अ फास्ट रनिंग साइकिलिंग वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग कुछ भी करें अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर फास्ट रनिंग करें यानी कि आप स्प्रिंट 100 मीटर रेस में दौड़ते हैं हम तो एक साथ हमारी बॉडी की जो भी एनर्जी होती है वो बस 10 से 12 सेकंड या 10 से 15 सेकंड के अंदर बॉडी की पूरी एनर्जी यूज हो जाती है ओके तब क्या करते हैं बॉडी को तो एनर्जी चाहिए कितने स्पीड में हम दौड़ रहे होते हैं तो बॉडी को जो एनर्जी चाहिए तो वो कहां से आएगी एट दैट टाइम हमारे सेल्स क्या करेंगे दे विल रेस्पायर एनारोबिकली नेक्स्ट किस कुछ लिखा है कि भाई साइकिलिंग वॉकिंग एंड फॉर मेनी आवर्स ऑफ वेट लिफ्टिंग अगर कंटिन्यूसली आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो किसी को जिम का बहुत ही ज्यादा शौक है तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे वैसे करता रहता है ओके तो क्या हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो उतना इनफ नहीं है ओके तो हमें क्या चाहिए कुछ और ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी यूज हो रही है हम उठा सकते हैं 10 किलो और उठा रहे हैं 20 किलो तो क्या हो रहा है यस हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तब हमारे जो सेल है वो किस तरह से करेंगे एनारोबिकली रेस्पिरेशन करेंगे चलो बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड कब कर रहे हैं बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लिमिटेड है जितना ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है ना उससे जो एनर्जी हो रही है ना वो लिमिटेड पर हमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि उठा सकते हैं 10 किलो और उठा रहे हैं 20 किलो इसलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ओके एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए इसलिए हमारा जो बॉडी अंदर के सेल है वो क्या कर रहे हैं दे विल रेस्पायर एनारोबिकली चलो नेक्स्ट लाइन लिखिए कि देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी Okay, as we say that our capacity is to lift the 10 kg weight only and we are lifting the 20 kg weight. Okay, तो जब भी हमारे body को ज्यादा energy चाहिए तब हमारा body anaerobic respiration करता है यहाँ पर लिखा है then anaerobic respiration takes place in the human body. जब उसे ज्यादा energy चाहिए जितनी आ रही है वो काफ़ी नहीं है तब क्या होता है anaerobic respiration अपना काम करना start करता है
क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसे जो चाहिए ना वो ले लेता है, वो अपनी सिस्टम खुद बना लेता है। हम एरोबिकली ही रेस्पायर करते हैं, पर जब ज़्यादा चाहिए तो क्या करते हैं, यस एनारोबिकली कर लेते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ना ना मैं तो एरोबिक ही करूँगा, एनारोब तो चलेगा ही नहीं। पर जब अगर नीड है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एनारोबिकली भी रेस्पायर कर लेते हैं। सपोज कि आप दौड़ रहे हो, 2 किलोमीटर की रेस है, तो 1500 मीटर तक तो आपको कुछ नहीं हुआ। 1500 मीटर तक तो हमारा जो ऑक्सीजन जा रहा था उससे हमारे सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे और हमारे मसल चल रहे थे। पर लास्ट के जो 500 से 300 मीटर है वहाँ पर क्या हुआ कि एनर्जी बहुत डाउन हो गई। तो उस टाइम क्या करेगा बॉडी, वो एनेरोबिकली रेस्पायर करने लगेगा और हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो हमें देगा। क्लियर? चलो यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ है, नीचे देखो कि ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या होता है जब एनारोबिकली हम रेस्पायर करते हैं, जो ग्लूकोज यानी कि हमारा फूड का जो ब्रेकडाउन होता है, कब, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं है तब जो फूड का ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी के अंदर, तब क्या होता है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पीछे का याद करो, हमने बोला था जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब क्या होता है, यस तब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी, एनर्जी तो हर बार आता है ये, ओके तो वहां पर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था और यहां पर क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी हो रहा है। ओके हमारे बॉडी के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो याद रखना खास, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या प्रोड्यूस होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्लियर? यहां पर देखो एक आपको पिक्चर भी दिख रहा है, यहां पर लास्ट में एक आपको पिक्चर दिख रहा है, क्या है कि देखो भाई दौड़ रहा है। ओके तो ये क्यों दिखाया है, यस क्योंकि हमें ऐसी जो काम है, दौड़ने का काम, साइकिलिंग का काम, वेट लिफ्टिंग का काम, तब हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, तब हम एनारोबिकली रेस्पिरेशन करते। तो चलो ये स्लाइड यहां पर खत्म करें, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते। चलो क्या लिखा है यहां पर कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। यहां पर बोल रहे कि क्या आपने कभी सोचा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, उसका मीनिंग क्या है मसल क्रैम्प्स, यानी कि यस ये बोलते ना जोड़ों का दर्द, या फिर मुझे यहां पर दर्द हो रहा है, कोई आपका बड़ा भाई शायद, आप तो अगर करते हो या नहीं करते मुझे तो नहीं पता, पर अगर हम एक्सरसाइज करते, चलो सपोज अगर आपने ज्यादा दौड़ लिया है, 100 मीटर की रेस में आप 3 राउंड आप दौड़ लिए, तो क्या होगा, जो नीचे के पार्ट होंगे, जो थाइस का पार्ट होगा, वहां पर आपको दुखने लगेगा, यानी कि जो हमारे मसल है ना वहां दुखेगा, उसे बोलते हैं मसल क्रैम्प्स। ओके मसल के अंदर आपको यहाँ पर दुखता है, कोई बोलता है कहा अब तो इतनी एक्सरसाइज कर ली ना पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, ओके तो मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो कि क्यों होते हैं, ऐसा सोचने के लिए बोल रहे, सोचो। चलो हम आगे पढ़ते हैं, द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। Whenever our muscle cells respire anaerobically, there will be a cramps. क्या होता है, cramps generate होते हैं। हमें जो यहाँ पर दर्द हो रहा है वो किसकी वजह से, जब हमारा body anaerobically respiration करता है तब, क्योंकि वहाँ पर lactic acid generate हुआ है, वहाँ पर carbon dioxide generate हुआ है, उसकी वजह से हमारे body में दर्द होता है, और specific जगह पर होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर में दर्द होने लगता है, आपने एक्सरसाइज आज ज़्यादा कर ली, बाइसेप्स यानी ये सभी को पता है, बाइसेप्स की ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली आपने और आपको दुखेगा सिर में, ऐसा नहीं है। जिस जगह पर आपने ज़्यादा काम किया है, जहाँ पर एनारोबिकली रेस्पिरेशन हुआ है, जिस सेल ने एनारोबिकली रेस्पिरेशन किया है, उसी जगह पर आपको दर्द होगा। ओके कोई बोलते हैं कि भाई आज पैरों में बहुत दर्द कर रहा है, आज तो हम यहाँ से चोटीला जाके आए थे, यहाँ से 50 किलोमीटर हम चल के आए थे, तो हमें ऐसा लगता है कि ओहो पैर में दर्द कर रहा है, तब ऐसा क्यों नहीं बोलते हाथ में दर्द कर रहा है। ओके तब हमने क्या किया है, सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज की है, पैरों के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई और हमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो वहां पर ही सिर्फ मसल क्रैम्प्स होंगे। जब हमने हाथों की एक्सरसाइज की है तो सिर्फ हाथों में दुखेगा। क्लियर? चलो यहां पर लिखा है द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। जैसा मैंने बताया कि लैक्टिक एसिड जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जो ब्रेकडाउन है वो पार्शियल हो रहा है, फुल ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। अगर फुल ब्रेकडाउन होता तो क्या होता, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता, वहां पर वाटर जनरेट होता, एनर्जी जनरेट होती, पर यहां पर पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज द मसल क्रैम्प्स।
जैसा हमने पहले ही बोला कि भाई लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज द मसल क्रैम्प्स। ये जो लैक्टिक एसिड जनरेट हो रहा है, लैक्टिक एसिड अंदर बन रहा है, उसी की वजह से हमें मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं। क्लियर? चलो, वी गेट द रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। अगर आपने सुना हो कि भाई आप बहुत चल के आए हो, या आज आपने बहुत ग्राउंड में खेला हुआ है, या फिर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो घर पे जाके आप ऐसा बोलते हो मम्मी को कि मम्मी आज पूरा बॉडी मुझे दर्द कर रहा है, तो मम्मी क्या बोलेगी कि बेटा जाके बहुत जो गर्म पानी है ना उससे नहा लो। तो जब भी अगर हम गर्म पानी से नहाने लगते तो हमारे मसल क्रैम्प्स घट जाते, या फिर मसाज ऐसे ऐसे जो करते तेल लगा के ऐसे ऐसे करना, ओके, तो मसाज कर दे तो भी हमें ठीक हो जाता है। क्यों होता है? थोड़ी देर सोचो, ऐसा क्यों हो जाता होगा? पहले तो किस वजह से दर्द हो रहा है वो सोचो। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कि कैन यू गेस व्हाई इट इज सो। जैसा मैंने बोला कि भाई सोचो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि हॉट वाटर बाथ और मसाज इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। व्हेनेवर वी आर टेकिंग द हॉट वाटर बाथ आइदर मसाज, तो क्या होता है, देर विल बी अ मोर एंड मोर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो बढ़ जाता है। गर्म पानी से नहा लेते तो हमें रिलीफ महसूस होता है। उसका मीनिंग क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर, पूरे के पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया है। या फिर आप मसाज करवाते हो, अगर सर दर्द कर रहा है ना तो हम ऊपर यहाँ पे मम्मी ऐसा चंपी कर देती है तो हमें मज़ा आता है। क्यों आता है? यस, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होने लगता है। तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने लगने से क्या होगा, जो मसल क्रैम्प्स हुए थे वो धीरे धीरे रिलीफ मिलता जाएगा। क्लियर? चलो, एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेस। क्या होता है कि हमें जो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, ओके, वहीं पर ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन आता है, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया, ओके, तो जो हमारा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे बढ़ गया है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने की वजह से जो मसल क्रैम्प थे वो चले जाएंगे। फिर आप शांति से ऐसे बैठे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, साथ में पॉपकॉर्न खा रहे होंगे। क्लियर? चलो, द इंक्रीजेस इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, और जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देयर विल बी अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ अ लैक्टिक एसिड इनटू अ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। होना क्या चाहिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। पर जब भी हमने ज्यादा एक्सरसाइज किया, ज्यादा ऐसा कुछ काम किया, तब क्या हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ। जब भी हम नहा लेते या मसाज ले लेते तो क्या होता है, देर विल बी अ मोर एंड मोर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एंड बिकॉज ऑफ द हायर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देर विल बी अ मोर एंड मोर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ज्यादा आया तब क्या होगा, यस, फुल ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन और फुल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। तो उसकी वजह से होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साथ में वाटर। क्लियर? चलो, नेक्स्ट यहां पर हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है, हमने पढ़ लिया कि भाई ये रेस्पिरेशन क्या था, क्या चीज़ें अंदर होती है, मसल क्रैम्प होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी जो सांस लेते हैं, इसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं ना, ये सभी को पता है। चलो, ब्रीदिंग को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। यहाँ पर लिखा है कि ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीदिंग किसे बोलते हैं? ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर, यानी कि सांस अंदर लेना, टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन, ऐसी सांस अंदर लेना, ऐसी हवा अंदर लेना जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, रिच इन ऑक्सीजन यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। ब्रीदिंग का मीनिंग क्या है कि टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम अंदर जो हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा होगा, और जो बाहर निकलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और किसकी मदद से? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो हमारा नोज आपको दिख रहा है उसके अंदर भी थोड़े से ऑर्गन्स है, वो भी हम पढ़ेंगे, ओके, उन सभी ऑर्गन की मदद से जो हम ये सांस अंदर ली ऑक्सीजन वाली और सांस बाहर निकाली कार्बन डाइऑक्साइड वाली, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। बस ब्रीदिंग समझ में आना चाहिए, ये हमारी डेफिनेशन में और उसमें आ सकता है, ओके? तो ब्रीदिंग अगर एक बार समझ में, उसके बाद आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हो। क्या? यस, कि टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एन एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लिख लो ऐसा कुछ, दूसरे वर्ड्स में लिखो तो भी कोई बात नहीं है। चलो, द टेकिंग इन of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and inhalation giving out of a rich
in carbon dioxide is known as exhalation. Okay, whatever the air rich in oxygen what we are taking in, जो भी air हम अंदर लेते हैं जो oxygen से rich है उसे क्या बोलते हैं, inhalation, यानी कि this is called inhalation. जो हमने अंदर सांस ली उसे कहते हैं inhalation. And the air that we exhale, okay, जो air हम बाहर निकालते हैं, sorry, the air that we giving out, rich in carbon dioxide, क्योंकि अभी तो हमने exhale पढ़ा ही नहीं है, okay, जो हम बाहर निकालते हैं ऐसी air जो carbon dioxide जिसके अंदर ज्यादा है उसे क्या बोलते हैं, exhalation. ये exhalation हो गया, देखो ये inhalation, ये क्या हो गया, exhalation. जो oxygen वाली air ली वो inhalation और carbon dioxide वाली air निकाली उसे exhalation. Clear? चलो, it is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism. Last line में क्या लिखा है कि this is a continuous process. ये continuous process है which is goes on all the time and throughout the life. ये process all the time 24/7 and throughout the life. क्यों throughout the life लिखा है, यानी कि जब तक आप जिंदा हो. Last line में ऐसा लिखा है, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल. ऐसा करते एक आध घंटे के लिए पॉज दे देते हैं, नहीं होगा ना, हम एक घंटा क्या, हम एक दो मिनट भी नहीं रह सकते. अगर इनहेलेशन एक्सेलेशन बंद हो गया तो अंदर का सारे का सारा बॉडी का जो वर्क है वो बंद हो जाएगा. अब तो पता है ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाता है, ऑक्सीजन वहाँ जाके क्या क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें पता है. यानी ये जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट द लाइफ चला रहता है. चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट्स इज टर्म्ड एज अ ब्रीथिंग रेट. क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट. हम एक मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स द पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट. एक मिनट के अंदर हम जितनी बार सांस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट. पर कैसे इसे बोलते हैं, एक इसे दो नहीं, वो सीखते कि किसे ब्रीथिंग बोलते हैं, एक ब्रीथ किसे बोलते हैं. चलो, ब्रीथिंग रेट बोथ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक्स प्लेस. ब्रीथिंग किसे बोलते हैं, जो हमने इनहेल किया और एक्सेल किया उसे एक ब्रीथ बोलते हैं. इसे एक ब्रीथ नहीं बोलते, ये एक ब्रीथ नहीं हुआ, एक ब्रीथ कब होगा, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग. जो सांस अंदर ली और बाहर निकाली दोनों मिला के जो बनता है उसे बोलते हैं ब्रीथिंग. यहां पर लिखा है ब्रीथिंग रेट बोथ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, बोथ द इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन मेक्स द वन ब्रीथ. एक इनहेल एंड एन एक्सेल दोनों को मिला के क्या बनता है, ब्रीथ वन. चलो, ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सेलेशन. एज वी सेड व्हाट इज अ ब्रीथ, वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेशन.